नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गए हैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर और किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपको आज की टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है आपको लेना है बॉटल आपको छोटा ही लेना है, और जो बॉटल के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको आपको चाकू को गरम करके इस तरीके से काट के अलग कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम लोग इस तरीके से पॉलीथीन में दाल चावल वगैरह रख देते हैं, तो क्या होता है जब इस तरीके से गांठ लगा के रखते हैं तो इसके अंदर सीलन वगैरह जाती रहती है जिससे कि ये ख़राब हो जाती हैं। तो आप बोतल को कट करके और पॉलीथीन के ऊपर आपको इस तरीके से इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद में आपको करना क्या है, इसको अच्छे से इस तरीके से निकाल लेना है स्ट्रॉ पॉलीथीन को। इसके बाद में ढक्कन लगा के रख देना है। जब आप इस तरीके से इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसमें सीलन भी नहीं जाएगी और इस तरीके से आप जहाँ सुविधाजनक समझे वहाँ है इसको हैंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको इससे दाल निकाल ली हो तो आप आराम से इससे दाल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से दाल निकल आती है। तो इस तरीके से अगर आप भी पन्नी में इस तरीके से दाल वगैरह रखते हैं तो आप इस टिप्स को ट्राई करेंगे तो दाल वगैरह आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, साथ इसमें सीलन वगैरह भी नहीं जाएगी। तो ऐसे आप इसको बरसात में सुरक्षित करके रख सकते हैं। अगली टिप आपको लेना है कंघा, और यहाँ पर आपको लेना है कोई भी पुराना सॉक्स, और कंघे को आपको करना क्या है, इस तरीके से सॉक्स के अंदर डाल देना है। इसको आपको इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है, ऊपर की ओर आपको इसको गांठ लगा देनी है। अगर सॉक्स छोटा है तो आप इसमें रबड़ वगैरह ऊपर की ओर लगा सकते हैं। इसके बाद में करना क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरीके से आपको भिंगा लेना है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे फ्रिज की रबड़ साफ करने में लेके। जब इस तरीके से रबड़ में बहुत ज़्यादा गंदगी फंस जाती है तो क्या होता है, ये आसानी से नहीं निकलती है। तो आप इस तरीके से इसको बना के जैसे ही रबड़ के ऊपर चलाएंगे तो आप देख सकते हैं जितनी भी इसमें रबड़ में गंदगी फंसी थी कितने आसानी से निकल के आ गई है। तो इस तरीके से आप फ्रिज की रबड़ को बहुत ही अच्छे से इससे साफ कर सकते हैं। जब आप फ्रिज की रबड़ को अच्छे से साफ रखेंगे तो फ्रिज आपकी अच्छे से ठंडी रहने वाली है, इसमें एयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ कितनी अच्छे से साफ हो गई है। पहले मैंने आपको दिखाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गंदगी लगी हुई थी, तो ऐसे आप फ्रिज की जो रबड़ होती है उसको बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो और भी कोने वगैरह होते हैं जहाँ पर कपड़े से गंदगी वगैरह ठीक से नहीं निकल पाती है वहाँ पर आप इसे साफ करेंगे तो गंदगी वगैरह बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो रबड़ है काफ़ी अच्छे से साफ हो चुकी है। और अभी हम आपको दिखाएंगे जो सॉक्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकल के आ गई है। तो ऐसे आप फ्रिज की रबड़ को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, जितनी भी इसके कोने वगैरह में गंदगी लगी होगी बहुत ही आसानी से इसमें निकल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकल के आ गई है। अगली टिप है यहाँ पर आपको लेना है गिट्टी, तो यहाँ पर इसको हमारे यहाँ गिट्टी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको करना क्या है, ले लेना है अल्मोनियम फॉइल पेपर और उसी में आपको इसको इस तरीके से रख के और अल्मोनियम फॉइल पेपर को इस पर फोल्ड कर देना है। तो तीन से चार गिट्टी के ऊपर मैंने इस तरीके से इस पेपर को अच्छे से चढ़ा दिया है। तो ऐसे आपको इसको सबसे पहले बना के अलग कर लेना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है पॉलीथीन और इसमें आपको भर लेना है पानी, और जो हमने अल्मोनियम फॉइल पेपर चढ़ा के गिट्टी के ऊपर रखे हुए बना के इसको आपको इसी में डाल देना है। तो इसमें डालने से क्या होगा, जब पानी अल्मोनियम फॉइल पेपर और गिट्टी एक साथ मिलते हैं तो इसमें एक गैस जैसी बनती है जिसकी स्मेल से अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं बरसात में तो आप इसको बना के जहाँ से भी मक्खियाँ आती हों दरवाजे खिड़की वहाँ पर आप इसको टांग दीजिए, तो इससे मक्खियाँ वगैरह आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस तरीके से इसको अच्छे से बांध लेना है और इस तरीके से तैयार कर लेना है। जब आप इस तरीके से इसको बांध लेंगे तो इसमें जो पानी वगैरह है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी आप देख सकते हैं जो हमने अंदर इसके अल्मोनियम फॉइल पेपर के टुकड़े डाले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ये रोशनी करने वाले हैं, इसकी रोशनी से मक्खियाँ वगैरह आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर आप मक्खियों से परेशान हैं तो आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर तवा को लेके,
बरसात के मौसम में जब भी हम लोग रात के टाइम पे तवा को साफ करके रख देते हैं तो क्या होता है, छिपकली कीड़े वगैरह आके इसको गंदा कर देते हैं। तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से पॉलीथीन, और जब भी आप रात के टाइम पे साफ करके इसको छोड़ रहे हो तो इस पर पॉलीथीन को इस तरीके से चढ़ा के और अच्छे से बांध दीजिए। तो क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह इसके अंदर नहीं जाएंगे और तवा आपका एकदम से साफ रहने वाला है। तो इस तरीके से आप तवा को साफ रख सकते हैं और कीड़ों से बचा सकते हैं। अगली टिप है, जब भी हम लोग पैर में इस तरीके से लेगी वगैरह पहनते हैं तो ये एड़ी में जाके फंस जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसको मैंने पहना है इस तरीके से एड़ी में फंस जाती है, जिससे पहनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जब भी आप इस तरीके की लेगी या सकरे मोरे के पैंट वगैरह पहन रहे हो तो सबसे पहले आप पैर में इस तरीके से एक पॉलीथीन को लगा लीजिए। इसके बाद में जब आप लेगी पहनेंगे तो आप देखेंगे झटपट तरीके से आपके पैर में तुरंत ही लेगी आ जाएगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप कम समय में लेगी को पहन के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे आप सकरे मोरे का अगर लेगी पैंट पहनते हैं और आपको पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप इस टिप्स को ट्राई करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और लेगी भी आप झटपट पहन के तैयार कर लेंगे। अगली टिप्स है, जब भी हम लोग सब्जी वगैरह कट करते हैं तो क्या करते हैं, डलिया में इस तरीके से छिलका वगैरह रखते रहते हैं, और जब ये छिलका हटाते हैं तो क्या होता है, हमको डलिया भी साफ करनी पड़ती है क्योंकि डलिया भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आप क्या करिए, डलिया के ऊपर आपको इस तरीके से पॉलीथीन को सेट कर लेना है। देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया है। इसके बाद में जब आप सब्जी वगैरह कट करेंगे तो पॉलीथीन के ऊपर छिलके गिरेंगे, जो आपकी डलिया है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, साफ रहने वाली है। इसके बाद में जब भी छिलके वगैरह इसमें भर जाएँ तो आप पॉलीथीन को इस तरीके से निकाल के हटा दीजिए। तो ऐसे आप छोटे छोटे टिप्स को अपना के अपने घर और किचन के काम को आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये टिप पसंद आए हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो।